बदायूं में सिविल लाइन की मंडी समिति की बाबा कॉलोनी में मंगलवार रात डबल मर्डर हो गया। मुस्लिम नाई ने उस्तरे से गला रेत कर दो भाइयों की हत्या कर दी, जबकि तीसरा बच्चा भागने में सफल रहा जिसके चोटें आईं। वारदात से गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव कर आगजनी घटना को अंजाम दिया। मौके पर ADG, कमिश्नर, IG और SSP समेत तमाम पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए। वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद शहर के लोगों का गुस्सा भड़क गया। मौके पर भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स लग गई है। हत्यारोपी साजिद और जावेद एक सलून संचालक है। पुलिस ने एक हत्यारोपी जावेद को मुठभेड़ में मार गिराया है। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको घायल हो जाएगा और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायिक कार्रवाई है।